आदि ग्रंथ या श्री गुरु ग्रंथ साहब, यह एक केवल धार्मिक सहीफा है, स्क्रिप्चर है, ग्रंथ है, जिसमें 400 साल के अरसे में हिंदुस्तान में जितने भी महापुरुष हुए, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे छींबे थे, चाहे जुलाए थे, चाहे ब्राह्मण थे, जितने भी महापुरुष थे, संत मत के फॉलोअर्स, उन सब का कलाम उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब में शामिल कर लिया। कितनी बड़ी बात है कि यहाँ कोई जात पात की तालीम या जात पात की तमीज़ नहीं है, यहाँ किसी छोटे बड़े की तालीम नहीं है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, बड़ा वही है जो प्रभु का प्यारा है, जो प्रभु की आंखों का तारा है, बड़ा वही है कि जिसके पोल पे बैठ के प्रभु खुद बोले। जैसे में आवे खसम की गानी, तैसा करी ज्ञान में लागू। और यहाँ बाबा फरीद की वाणी पढ़ते हैं, कबीर साहब की वाणी पढ़ते हैं, रविदास जी महाराज की वाणी पढ़ते हैं, वहाँ हम मीराबाई जी के भी श्लोक पढ़ते हैं, और जितने भी उस वक्त के संत महात्मा हुए, सूरदास जी की वाणी पढ़ते हैं, गोसाई तुलसीदास जी की वाणी पढ़ते हैं, और जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकते हैं तो हम बाबा फरीद को भी माथा टेकते हैं, हम कबीर साहब को भी माथा टेकते हैं। जितने महापुरुष हुए हैं सबको माथा टेकते हैं। सच्चाई तो एक है, प्रभु एक है, वाहेगुरु एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है, वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल हिंदुवीन नहीं है, वो रब्बुल मुसलमीन नहीं है, वो तो रब्बुल आलमीन है। और फिर किसी भी मज़हब का हो, किसी मुल्क का हो, किसी कौम का हो, जो आदमी अख़ुवते आलमगीर में बिलीव करता है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करता है, जो रूहानियत की तालीम देता है, जो तरीकत मार्फत और हकीकत के मंजिलों से हमें रूपशनास कराता है, वो हमारे सर का ताज है। हिंदुस्तान ही एक ऐसी सरजमीन है कि जिसमें सूफीज्म और इसके साथ साथ भक्ति काल दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ की पैदावार हैं। आप चिश्ती साहब को ले लीजिए, बाबा फरीद को ले लीजिए, अलाउद्दीन साहब को ले लीजिए, मीर खुसरो को ले लीजिए, और किसी महात्मा को ले लीजिए, मेरा भाई जी को ले लीजिए, सूरदास जी महाराज को ले लीजिए, गोसाई तुलसीदास जी को ले लीजिए, गुरु नानक साहब को ले लीजिए, पंचम पातशाह को ले लीजिए, दशमेश पिता को ले लीजिए, दुनिया के किसी भी महापुरुष को ले लीजिए। मैंने सब ग्रंथ धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ा है, जितने भी हमारे आप समझिए कि ये प्रॉफिट्स हुए हैं, जितने सूफी हुए हैं, जितने वली आला हुए हैं, जितने गुरु साहिबान हुए हैं, जितने ऋषि हुए हैं, जितने मुनि हुए हैं, महात्मा बुद्ध हुए हैं, हजरत ईसा हुए हैं, हजरत अर्तस्त हुए हैं, भगवान महावीर हुए हैं, भगवान बुद्ध हुए हैं, हजरत मोहम्मद साहब हुए हैं,
हजरत अली हुए हैं और भी किसी भी आप बुजुर्ग को ले लीजिए, आप सबके धर्म ग्रंथों का आप अध्ययन करें तो आपको एक ही बात मिलेगी, सबका जो क्विंटेशन था भी टीचिंग द ऑल द रिलीजन है वो यही है कि एक परमात्मा है उसकी संतान है हम। और दसम पातशाह ने कहा है कि साच कहूं सुन ले सभे जिन प्रेम पियो ते नहीं प्र पाया। और यही बात सूफियों ने भी कही है कि जितनी भी ये मौजूदात है इसमें एक ही प्रभु का जलवा कार फरमा है, और जितने भी हमारे तफरके हैं जितनी हमें जो दिखाई देती हैं कि हमें डिफरेंसेस हैं वो टॉपिकल डिफरेंसेस हैं, वो रूहानियत के डिफरेंसेस नहीं हैं। आप हिंदुस्तान को ले लीजिए, यहाँ पानी की इतनी अफरात है, हम कहते हैं कि हम जब तक हम स्नान नहीं कर ले हम पूजा नहीं कर सकते। आप अरेबिया में चले जाइए वहाँ पानी नहीं है, वो कहते हैं वुजू कर लीजिए, हाथ धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, पांव धो लीजिए और नमाज पढ़ लीजिए, और अगर वुजू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम कर लीजिए, देता है उसे हाथ साफ कर लीजिए। मकसद तो यही है कि अगर सच्चे जबान से प्रभु का नाम लिया जाए तो हमारी आवाज को सुनता है। बाकी एक ही साकी है जो मैखाना दर मैखाना है, मेरा एक शेर है कि मैंने पी सहबा इरफा हत जल्दी गाह से, एक ही साकी था जो मैखाना दर मैखाना था। और अपने ही दोस्त की तो हैं जितनी हैं ये निशानियां, डर मिले तो सज चुका काबा मिले सलाम तक, और सब महापुरुषों की यही तालीम नहीं है। इसी के लिए हमारे हजूर पुन्नू संत के पांचवी जी महाराज ने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन मनाई थी। उस वक्त उससे पहले हमारे मौलाना और हमारे पंडित कभी एक स्टेज पे नहीं बैठा करते थे, ये उनकी देन थी कि सारे भी दुनिया के जितने मदद थे सबके सरबरा और सबको मानने वाले एक स्टेज पे बैठे थे, और उन्होंने जब अपनी अपनी तालीम पेश की तो ये मालूम हुआ कि सब धर्मों की जो तालीम है वो एक ही है। और यही बात है कि यहाँ मैं एक, अगर प्रभु ने चाहा, वाहेगुरु ने चाहा तो एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन की लाइब्रेरी बनाने का मेरा ख्याल है, वो अपनी किस्म की वाहिद दुनिया में लाइब्रेरी होगी। क्योंकि मुझे शुरू से इल्म का शौक था, गुशारी का शौक था, मेरी जिंदगी ज़्यादा ऑफिशियल लाइफ में गुजरी है, या हमारे मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों में गुजरी है, या हजूर पुन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज के चरणों में गुजरी है। और उन्होंने मुझे यही बताया कि आप जब भी जाएं जहां भी जाएं सब जितनी जगह हैं सब अपनी जगह हैं। मेरा एक शेर है कि नाम है तो आदमी तो क्या, असल में दू है इश्क हूँ, नाम है आदमी तो क्या, असल में दू है इश्क हूँ, सारी जमीन है मेरा घर सारा जहां मेरा वतन। और यही वजह है 29 जबानों में हमारा जो तर्जमा है किताबों का वो शाया हो चुका है, उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब की तालीम है, कुरान मजीद की तालीम है, वेदों की तालीम है, शास्त्रों की तालीम है, महात्मा बुद्ध की तालीम है, भगवान महावीर की तालीम है,
दस की तालीम है, मुइनुद्दीन चिश्ती की तालीम है, गुरु नानक साहब की तालीम है, अमीर खुसरो की तालीम है, वो सबका एक संगम है। और मैंने जो अपनी पहली किताब तलाश नूर मैंने उर्दू में लिखी थी, वो एक यूनिक बुक है इस वक्त दुनिया में। इसमें दुनिया के जितने भी सरबराह हुए हैं, जितने महात्मा हुए हैं, सब पे मैंने नज़में कही हैं। हज़रत ईसा पे भी है, गुरु नानक साहब पे भी है, हज़रत मोहम्मद पे भी है, मीनुद्दीन चिश्ती पे भी है, भगवान महावीर पे भी है, भगवान बुद्ध पे भी है, और इसी तरह से बाकी भी जितने महापुरुष हुए हैं, हज़रत तस्त पे ही है, सब पे मैंने, माता जी ने हुक्म दिया था कि जितने मज़हब के जितने सहीफे हैं, जितने ग्रंथ हैं, सबका मुताला करो, सबकी जितनी कमेंट्री मिल सकती हैं उन सब कमेंट्री को सही करो, और फिर इन पे नज़में लिखो कि इनकी क्या तालीम है। और इन नज़मों में मैंने सबकी सीरत पेश करने की कोशिश की है। और ये हमारे पैजन साहब ने यह कहा था कि ये जो किताब है ये हिंदुस्तान की हर लाइब्रेरी में होनी चाहिए, हर स्कूल में होनी चाहिए, हर मस्जिद में होनी चाहिए, हर मंदिर में होनी चाहिए, हर गुरुद्वारे में होनी चाहिए, हर सिनेमा में होनी चाहिए, जितनी इबादतगाहें हैं सब में ये किताब होनी चाहिए। और यही मैं पूछूं कि तालीम रही है, अब भी ये जो लाइब्रेरी बनी जा रही है तो ये 18,000 किताबों से शुरू होगी, इसमें से 1,000 किताबें सिखिज्म पे होंगी, 1,000 इस्लाम पे होंगी, 1,000 बुद्धिज्म पे होंगी, 1,000 जैनिज्म पे होंगी, 1,000 इस्लामियात पे होंगी, 1,000 सूफीज्म पे होंगी, 1,000 ज़ोरास्टर पे होंगी, और इसके अलावा 1,000 किताबें फिलासफी की होंगी कि जिसकी बेयरिंग डायरेक्टली रिलीजन पे है, 1,000 किताबें लेटेस्ट जितनी किताबें छप रही हैं हमारी साइंस की जिसकी जो बेयरिंग है डायरेक्टली वो जो हमारे महापुरुष कह गए हैं उन पे है। बहुत सी किताबें हैं, फिजिक्स ऑफ टाओ कह लीजिए आप, रेड यूनिफाइड थ्योरी कह लीजिए, वो यही कहते हैं कि ये जो संसार था हजारों साल गुजरे, ये रोशनी से पैदा हुआ था, नूर से पैदा हुआ था, एक नूर तो सब्जेक्ट उपजा, कौन पढ़े कौन मन दे, और ये जिसका अंत होगा वो भी नूर में हो जाएगा। साइंस वाले जो हमारे महापुरुष 800,000 वर्ष पहले कहते रहे हैं, उन्होंने उसी को साबित करना शुरू कर दिया है। और अगर वाहेगुरु की कृपा शामले हाल रही, अल्लाह का करम हम पे जारी रहा, भगवान की दया हुई, तो ये अपनी किस्म की पहली जो है लाइब्रेरी ये यहाँ होगी। और जब मुझे यूनाइटेड नेशन में बुलाया था, और अब मुझे जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पीस इन द वर्ल्ड हुई है कोस्टारिका में, वहाँ के लोग मुझे मिलने आए थे, तो रॉबर्ट मुल्लर साहब ने फिर मुझे कहा था कि आप याद रखिए कि ये लाइब्रेरी आप जो है वो हमें अफिलियट कर देंगे, क्योंकि वो दुनिया की पहली एक यूनिवर्सिटी ऑफ पीस है जो यूनाइटेड नेशन के नीचे बनाई जा रही है, और वहाँ वो तमाम दुनिया के जो कौमी रहनुमा हैं, जो रूहानी रहनुमा हैं, जो डॉक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, हम तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ उनको बुलाएंगे, 3 साल की ट्रेनिंग देंगे, और फिर उन्हें एम्बेसडर ऑफ पीस बनाकर दुनिया में भेजेंगे। और यही तालीम गुरु नानक साहब की है, उन्होंने यही कहा है कि नानक नाम चढ़ी कला तेरे बने से वक्त का पला, क्या इसने यही कहा है कि पीस बी ऑन टू द एंटायर वर्ल्ड। पर हमें अपनी जो हमारे सहीफे हैं, जो ग्रंथ हैं, उनका तभी पता चलता है कि जब हम सब ग्रंथों का मुताला करें, सब ग्रंथों की जो बेसिक तालीम है वो एक ही है। हमारी किताबें जो हैं
अरबी में छप चुकी हैं जिसमें कुरान मजीद है, हिब्रू में छप चुकी हैं जिसमें के ये होली बाइबल लिखी गई है, पंजाबी तो है ही जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखा गया है, संस्कृत में छप चुकी हैं जिसमें हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, जिसमें हमारे उपनिषद हैं। इसी तरह से हमारे लिए अब कोई ये जो आयरन पटन है ये नहीं है, हमारी किताबें दक्षिण में छप चुकी हैं, चाइनीज में छप चुकी हैं, जापानीज में छप चुकी हैं, इथोपियन में छप चुकी हैं, हंगेरियन में छप चुकी हैं, और वहाँ के लोग जहाँ आते हैं। ये जो जज्बा है इंसानियत के एक होने का, जिसे हम अखबूत आलमगीर कहते हैं, जिसे हम एक पिता एक इसके हम वाले कहते हैं, यह हर इंसान में कार फरमा है। और यही कोशिश की जा रही है कि जितनी भी दुनिया की जुबानें हैं, जितने ग्रंथ हैं, उन सब में जो हमारे महापुरुषों की तालीम जो है ये पहुंच जाए। 29 जुबानों में छप चुकी है, 13 जुबानों में काम कर रहे हैं, कहीं जे प्रिंटिंग में है, कहीं पहला ड्राफ्ट बना है, कहीं दूसरा ड्राफ्ट बना है। और 8 जुबानों में इस दफा जब मैं गया था तो काम शुरू करने का तरीका है। इस तरह से तमाम महापुरुषों की वाणी, गुरु नानक साहब की वाणी, हसन मोहम्मद साहब की वाणी, क्राइस्ट की वाणी, हमारे वेदों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, महात्मा बुद्ध की वाणी, ये जितनी भी हैं जो दुनिया के तमाम किताबों में पहुंचेगी तो लोगों को पता चलेगा कि सब मतों का जो है बुनियादी असूल एक है। और यही संतों की तालीम रही है और मेरी जिंदगी का मिशन यही है कि यही मिशन लेके हम आगे बढ़ें। तो मैं जो अखबूत आलमगीर की बात कर रहा था, यूनिवर्सल रिलीजन की बात कर रहा था, तो यूनिवर्सल रिलीजन जो है ये सबका एक है। महाराज जी ने इसकी शुरुआत की हजूर बाबा सावन सिंह जी के महाराज के हुक्म से, उन्होंने पहले वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन बनाई। जैसा मैंने कहा कि एक पंडित और एक मौलवी एक सीट पर नहीं बैठा करते थे, दुनिया के तमाम मजाहब के लोग एक सीट पर इकट्ठे हुए और उन्होंने जब अपनी अपनी तालीम बताई तो हमें मालूम हुआ कि उसमें कुछ फर्क ही नहीं है। वही बात कुरान मजीद कहता है, वही बात श्री गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, वही वेद कहते हैं, वो एक ही, इन सब की तालीम जो है वो एक है। और फिर महाराज जी ने 4 इसकी कॉन्फ्रेंसेस की यहाँ और 2 इसकी रीजनल कॉन्फ्रेंसेस हुई दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में। और इसके बाद महाराज जी ने 1974 में एक नया कदम उठाया, वो था वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिटी ऑफ मैन। तो मुझे याद है कि मैंने जब उनसे पूछा कि सच्चे पातशाह इन दोनों में फर्क क्या है, हम जब मनाते चले आए थे कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ रिलीजन, तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे, और ये जो आप वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनिटी ऑफ मैन हो रही है इसका क्या मतलब है। तो महाराज जी ने मुझे बताया कि दर्श देखो, पहले जितनी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें जो यूनिट था, जो इकाई थी, वो रिलीजन था। उसमें सिर्फ वही लोग आदमी हिस्सा ले सकते थे जो प्रभु को मानते हैं। और असल में प्रभु को कौन मानता है? प्रभु को वही मानता है जो प्रभु के दर्शन करता है, प्रभु को वही मानता है जो प्रभु का जलवा तमाम कायनात में देखता है। और ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनिटी ऑफ मैन हमने बनाई है, इसका ये पर्पज है कि हर आदमी, चाहे वो थीस्ट हो या एथीस्ट हो, बिलीवर हो या नॉन बिलीवर हो, काफिर हो जाके अल्लाह को मानने वाला हो,
हर आदमी इसमें आ सकता है, क्योंकि जिससे हम प्रभु को मानते हैं। मैंने बहुत लोगों से बात की है तमाम दुनिया में, जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं वो प्रभु के नेचर को मानते हैं। बात जो है वो सिर्फ व्यायाम की बात है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ हर आदमी आ सकता है, जो खुदा को मानता है वो भी आ सकता है, जो खुदा को नहीं मानता वो भी आ सकता है। और उस तरह से उन्होंने इसका जो था मेवर, इसका जो यूनिट था, इसकी जो इकाई थी, वो मतलब की जगह इंसान को बना दिया। अब भी मेरे पास आए थे इस दौरे पे, बहुत से मेरे भाई कहते थे कि वी आर एथीस्ट। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एथीस्ट हो या थीस्ट हो, आप बिलीवर हों या अनबिलीवर हों, नेचर तो एक है। आप नेचर को मानते हैं? कहने लगा हाँ जी मानते हैं। मैंने कहा आइए हमारी यहाँ सिटिंग होती है मेडिटेशन, आ जाइए। वो मेडिटेशन के सिस्टम पे आए, उन्हें ये प्रभु के नूर का, ज्योति का और श्रुति का तजुर्बा हो गया। असली सिख कौन है? पूनन जो जगह सिख घट में तब सखालता है नखालत जाने। और देखिए नूर नगमा का रास्ता है, सुल्तान रोजगार का रास्ता है। इसे आप टाओ कह दीजिए, इसे आप लॉगोस कह दीजिए, इसे आप और किसी नाम से याद कर लीजिए, इसे नाथ कह दीजिए, इसे उद्गीत कह दीजिए, इसे शब्द कह लीजिए, इसे नाम कह लीजिए, इसे कर्मा कह दीजिए। बात एक ही है, कर्मे से 14 तबक बने, नाथ से 14 भवन बने। और जब मैं इनका तर्जुमा, जब मैं मुख्तलिफ सहीफे पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसा एक जो सहीफा है वो दूसरे सहीफे का तर्जुमा है। एक ही बात है तो सबने बयान की है। और इसीलिए ये पहली लाइब्रेरी, यूनिक लाइब्रेरी ऑफ इट्स काइंड, और यहाँ दुनिया का कोई भी आदमी आके यहाँ स्टडी कर सकता है। हम उसे हम फ्री देंगे बोर्ड, फ्री लॉजिंग देंगे उसे। और हम जो पॉइंट्स कॉमन हैं हम उनमें इंटरेस्टेड हैं। जो काम जिसमें तफरीके हैं, जिसमें तकसीम की बात है, हम उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। क्योंकि जो तकसीम है वो या तो पर्सनली क्रेशन की वजह से हो सकती है, या वो टॉपिकल जो हमारी एटमोसफियर है उसकी वजह से हो सकती है, या वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे हो सकती है। हम तो राइट एक्शन, राइट डीड एंड राइट वर्ड में बिलीव करने वाले हैं। तो ऐसा एक प्रोग्राम है, और मैं बात कर रहा था यूनिटी ऑफ मैन की। वही जो यूनिटी ऑफ मैन थी वो महाराज जी के ज्योति ज्योत मानने के बाद उसे ह्यूमन यूनिटी का नाम दे दिया गया। बात वही है, मगर ताकि हमारा जो मिशन है वो ये है कि किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचे, इसलिए इसका नाम ह्यूमन यूनिटी का दिया गया है। ये वही यूनिटी का मैन कॉन्फ्रेंस है। वक्त के साथ साथ जबान बदलती चली जाती है। मैं वित्तीय अपनी टास्क देता हूँ, मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में देता हूँ। आई एम ट्राइंग टू बिक अबाउट ए ब्रिज बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, साइंटिफिक टर्म में मैं बात करता हूँ। तो हमें तो हर एक को गले लगाना है, हर एक को प्यार करना है। इसलिए ये जो हमारी नवंबर में कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये जो ह्यूमन यूनिटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं इसलिए ये बात बयान कर रहा हूँ कि आप में से किसी को ये गलतफहमी नहीं हो कि ये कोई नई कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये महाराज जी की बनाई हुई कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये यूनिटी ऑफ मैन की कॉन्फ्रेंस हो रही है, और हम सब उसके मनाने वाले हैं। ये मैन और ह्यूमन में कोई फर्क नहीं है। जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हम ह्यूमन का लफ्ज इस्तेमाल करते थे, वक्त के साथ साथ लफ्ज़ों के मानी बदल जाते हैं। और अब उन्होंने जो बहुत ही बदल दिए हैं, अब वहाँ अमेरिका में आपको कोई पुलिस मैन नहीं मिलेगा, वहाँ पुलिस ऑफिसर मिलेगा।
तो ये इसलिए मैंने आपको इतनी तफसील से बात बताई है कि आपको कहीं कोई मुगालता नहीं हो कि ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है नवंबर में, ये कोई नई कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये वही कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल्स है। हम जो मैखाने की बात करते हैं ये दुनिया का मैखाना नहीं है, हम जो साकी की बात करते हैं ये दुनिया का साकी नहीं है। नाम कुमारी नाम का चढ़े रहे दिन रात। तो इसी नतीजे से हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यह हमारी कॉन्फ्रेंस है क्योंकि इसका जो ताल्लुक है हमारे हुजूर पुरनूर से है। और 14 वर्ष के बाद जो पहली दफा जब देश बदर हो गई थी, देश बदर होकर 14 वर्ष के बाद ये वापस हिंदुस्तान को लौट रही है, 14 साल का वनवास खत्म हो चुका है, तो ये अब हिंदुस्तान में आ गई है, ये हमारी कॉन्फ्रेंस है और हमने बढ़ से चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है कि ये जो वनवास पे थी हमारी ह्यूमन यूनिटी कॉन्फ्रेंस या हमारी कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिटी ऑफ मैन, ये 14 वर्ष के वनवास के बाद हिंदुस्तान में वापस आ गई है और आ रही है, ये हमारी कॉन्फ्रेंस है, हम सब ने इसमें हिस्सा लेना है, हम सब ने इसको कामयाब बनाना है। उससे कई लोगों ने पूछा है, मैंने जो पैम्फलेट दिए हैं कि ये महाराज जी ने तो ये यूनिटी का मैन बनाई थी, ये क्या हो गया, ये ह्यूमन यूनिटी कैसे हो गई? तो वो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ जुबान बदलती जाती है। तो ये मैंने एक थोड़ी सी भूमिका दे दी है। प्यारे भाई और बहनों, अभी हम सब दयाल प्रोफेसर दर्शन सिंह जी महाराज की दिव्य वाणी सुन रहे थे। जब भी हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज के शब्द सुनने को मिलते हैं तो एक नया रास्ता हम सब के लिए खुल जाता है जिसके ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। वो रास्ता प्रेम का रास्ता है, वो रास्ता अध्यात्म का रास्ता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और ये आंखों के डेले आईबॉल्स हैं सीधे सामने फोकस होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हैं। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। शुरू शुरू में शायद ऐसे लगेगा रोशनी आकर जा रही है, रोशनी के चक्र हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता चला जाएगा आपको लगेगा रोशनियाँ टिक गई हैं और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। तो जो कुछ आपको दिखते हो सब बड़े आराम से देखिए, प्रेम से देखिए, और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको कितना सुकून मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी और आपकी ज़िंदगी प्रभु के प्रेम से भरपूर होनी शुरू हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। प्रभु की दया हो कि हम सब जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके वचनों को अपनी ज़िंदगी में ढालें और अभ्यास के ज़रिए प्रभु की प्राप्ति करें। थोड़ी देर में आप सबको इस अभ्यास से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।